हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास थर्ड के साइंस का एक लेसन है, इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। ओके, एंड द टाइटल इज वाटर एंड वेदर। ओके, चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू क्वेश्चन आंसर। चलिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं। द वेदर डिपेंड्स ऑन द सन, द विंड, द क्लाउड्स एंड द रेन। तो मौसम डिपेंड करता है सूरज पर, हवा पर, बादल पर और बारिश पर। वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड समटाइम्स फ्रॉम आवर टू आवर। मौसम हर दिन बदलता है और कभी कभी हर घंटे बदलता है। व्हाट वी ईट एंड वेयर डिपेंड्स ऑन द वेदर। हम क्या खाते हैं और क्या पहनते हैं ये मौसम पर डिपेंड करता है, मौसम पर निर्भर करता है। चलिए क्वेश्चन आंसर्स पर मूव कर लेते हैं। रीड एंड आंसर, टिक द करेक्ट आंसर्स। आपको इसमें से करेक्ट आंसर्स टिक करने हैं। दिस इज अ फॉर्म ऑफ वाटर। तो फॉर्म ऑफ वाटर इसमें से क्या होता है, आइसबोट, आइसबर्ग, आइसक्रीम। आइसबर्ग, आइसबर्ग जो है वो फॉर्म ऑफ वाटर है। ओके, सेकेंड देखिए, द चेंजिंग फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड द वाटर ट्रक, साइकिल या बस। तो इसे हम वाटर साइकिल बोलते हैं। चेंजिंग फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ये आपने पीछे रीड किया था, द वॉटर साइकिल। ओके, चलिए थर्ड देखते हैं। इन इंडिया विंटर, समर एंड रेनी आर द थ्री मेन वेदर है, स्टेट्स ऑफ वाटर है या सीजन है। सीजन है, विंटर, समर एंड रेनी, थ्री मेन सीजन्स इन इंडिया। देखिए जरा, इन कंट्रीज लाइक इंडिया विंटर, समर एंड रेनी सीजन्स आर द थ्री मेन सीजन्स। ओके, तो यहाँ सीजन्स लिखना है आपको, इसमें सीजन्स पे टिक करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, स्टॉर्म्स मे अकर व्हेन द विंड इज नॉट ब्लोइंग। ए ऑप्शन है जेंटली बट स्ट्रांगली, बी है स्ट्रांगली बट जेंटली एंड सी है एट ऑल। तो आपने इसको लेसन में रीड किया था, स्टॉर्म्स कब आता है, स्टॉर्म्स आता है स्ट्रांग विंड्स कॉज स्टॉर्म्स। तो स्ट्रांग विंड्स, तो इसमें आपको क्या ऑप्शन लिखना है, फर्स्ट ऑप्शन। तो सेंटेंस क्या बनेगा, स्टॉर्म्स में आकर व्हेन द विंड इज नॉट ब्लोइंग जेंटली बट स्ट्रांगली। जेंटली ना बह रही हो, स्ट्रांगली बह रही हो, तब स्टॉर्म आता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, फॉगी एंड स्टॉर्मी वेदर आर नॉट सुटेबल फॉर स्टेइंग इन द हाउस, गोइंग आउट टू प्ले या प्लेइंग इनडोर्स। तो इसमें सी पे आपको टिक करना है, फॉगी और स्टॉर्मी वेदर अच्छा नहीं होता घर से बाहर खेलने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश टाइम इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। तो हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे कौन सा होता है, ये आपने यहाँ रीड किया था, नून इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। तो उसमें आपको नून लिख देना है। ओके, नून इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। सेकेंड देखिए, इन विंटर वी लाइक द वार्मथ ऑफ द डैश। इन विंटर वी लाइक द वार्मथ ऑफ द सन। इन विंटर वी लाइक द वार्मथ ऑफ द सन। तो यहाँ पे आपको सन लिखना है। थर्ड देखिए, टू मच रेन कैन कॉज डैश। तो ज़्यादा बारिश से क्या होता है, टू मच रेन कैन कॉज फ्लड्स। तो आपको यहाँ पे फ्लड्स लिख देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, डैश इज एक्सपीरियंस ड्यू टू लैक ऑफ रेन। तो लैक ऑफ रेन से क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ रेन क्या होता है, ड्रॉट। तो आपको यहाँ पे ड्रॉट लिखना है। अगला देखिए, एक्सीडेंट्स कैन अकर ऑन डैश डेज। एक्सीडेंट्स कब होते हैं, फॉगी एंड स्टॉर्मी वेदर कैन कॉज एक्सीडेंट्स। तो फॉगी एंड स्टॉर्मी डेज। नेक्स्ट देखिए, आंसर दीज क्वेश्चन, विच आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो आप लिखोगे, ये आपने पढ़ा था, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर। ओके, तो ये आपको यहाँ पर डिक्टो लिख देना है। सेकेंड देखिए, हाउ डू फ्लड्स अफेक्ट आर लाइफ। तो फ्लड्स हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं, आप लिखोगे, फ्लड्स डैमेज रोड, क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स एंड दे ऑल्सो अफेक्ट्स लिविंग थिंग्स। डज वेदर अफेक्ट व्हाट वी ईट, गिव एन एग्जाम्पल। तो आप लिखोगे, येस, वेदर अफेक्ट्स व्हाट वी ईट, बिकॉज इन प्लेसिस वेयर इट रेन्स अलॉट पीपल ग्रो एंड ईट राइस, बिकॉज द क्रॉप ऑफ राइस नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर। ओके, ये आपको यहाँ पे थर्ड में लिख देना है। फोर्थ देखिए, इन द डायग्राम शोन बिलो राइट द मिसिंग वर्ड्स इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेसेस दे रखे हैं ये आपको फिल करने हैं।
अब ये क्या है, वाटर वेपर्स फ्रॉम, ये वाटर वेपर्स कहाँ से जा रहे हैं, प्लांट से। सेकंड देखिए, वाटर वेपर्स फ्रॉम लेक। थर्ड देखिए, वाटर वेपर्स फ्रॉम, ये वाटर वेपर्स कहाँ से आ रहे हैं, ये रिवर से एंड ये सी से। और ये क्या है, रेन हो रही है, तो यहाँ रेन लिखना है। ओके चलिए अगला देखिए, थिंक एंड आंसर। व्हाई इज नून द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, तो दोपहर का समय दिन का सबसे गर्म समय क्यों होता है, तो आप इसमें लिख दोगे, आप लिखोगे एट नून द सन इज ओवरहेड एंड द रेज फॉल स्ट्रेट, दैट इज व्हाई नून इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। ओके सेकंड देखिए, व्हाई इज ए क्लाउडी नाइट वार्मर देन अ नाइट व्हेन द स्काई इज क्लियर, तो आप लिखोगे, देखिए यहाँ आपने यहाँ पर ये रीड किया था, क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर बिकॉज क्लाउड्स डू नॉट अलाउ द हीट ऑफ अर्थ टू एस्केप इन टू द एयर। ओके तो ये आपको इसके सेकंड का आंसर लिख देना है। नेक्स्ट देखिए, डू एंड लर्न, ये एक्टिविटीज कुछ है आपको अपने घर में किसी बड़े की मदद से ये करनी है ना, आपको क्लाउड्स बनाने हैं, इसमें रेंज बनानी है, लाइटनिंग शो करना है, तो ये सारी एक्टिविटीज आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लाइफ स्किल क्या है, विच वन वुड यू चूज टू डू, पुट अ टिक इन द राइट ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स में जो ब्लैंक स्पेसेस है इसमें टिक करना है, आप इसमें से क्या फॉलो करोगे। ये देखो, इसने पानी खोल रखा है और ये पानी बंद है, टूथपेस्ट कर रहा है, तो बंद करने वाला प्रेफर करना चाहिए, पानी वेस्ट नहीं करना हमको। ओके सेकंड देखिए, ये बाल्टी से नहा रहा है और ये शावर से नहा रहा है, तो आपको कौन सा फॉलो करना है, बकेट से नहाने का, क्योंकि शावर से पानी कई बार वेस्ट ज़्यादा होता है। थर्ड देखिए, ये कार वॉश कर रहा है पाइप की मदद से और ये कार वॉश कर रहा है वेट क्लॉथ की मदद से, तो इसमें पानी कम लगता है, तो आपको ये फॉलो करना चाहिए। ओके चलिए, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, कोई भी आपको पार्ट इसमें इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।